नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। बांका में खेलने के दौरान बच्चों के ऊपर गिरा दीवार, चार मासूम की दर्दनाक मौत, गाँव में मचा कोहराम। वन महोत्सव सप्ताह को लेकर भागलपुर और बांका में डीएम ने किया वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से पौधे लगाने की अपील। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, नवगछिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान 28 कार्टून विदेशी शराब किया बरामद। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर हजारों डाक कांवरिया बाबा धाम हुए रवाना, बोलबम के नारों से गूंजता रहा कांवरिया पथ। और बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की हुई मौत, खेत में बिचड़ा गिराने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। और अब खबरें विस्तार से। बांका के धोरैया प्रखंड अंतर्गत करहरिया पंचायत के तिलवारी गांव में रविवार की सुबह मिट्टी की दीवार गिरने से चार मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दो बच्चे घायल हो गए। घटना को लेकर गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि गांव के एक गली में कुछ बच्चे रविवार की सुबह खेल रहे थे, इसी बीच एक मिट्टी की दीवार उन बच्चों पर गिर पड़ी। मिट्टी की दीवार से दबकर रंजीत यादव की 6 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी एवं 4 वर्षीय मीनाक्षी कुमारी, कुमोद यादव की 5 वर्षीय पुत्री सलोनी कुमारी एवं रामदेव साह के 4 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 6 वर्षीय निशा कुमारी एवं देवारी यादव की 4 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी घायल हो गई। दोनों बच्चियों का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धोरैया में चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों के प्रयास से सारे बच्चों का शव दीवार के नीचे से निकाला गया। घटना की सूचना पर वीडियो अभिनव भारती, सीओ अजय कुमार, थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। बाद में सूचना पर SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव एवं रजौन सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार गांव पहुंचे तथा घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने चारों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। BDO ने बताया कि कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत दाह संस्कार के लिए 3,000 की राशि पीड़ित परिवार को मुहैया कराई गई है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन मद के तहत प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। ग्राम पंचायत के तिलवारी ग्राम में जहां हम लोग खड़े हैं, वहां पर आज 9:30 बजे के करीब एक दीवार गिर जाने से 4 बच्ची का देहांत हो गया और दो बच्ची घायल बताया जा रहा है, जिसका ट्रीटमेंट हम लोग तुरंत PHC में करवा रहे हैं। वो अभी एकदम स्वस्थ है, अभी कुछ दिक्कत नहीं। तत्काल इनको मुखिया जी को, ग्राम पंचायत के मुखिया को बोला गया, कबीर अंत्येष्टि के अंतर्गत इनको जो लाभ मिलने वाला है 3,000 रुपया तुरंत देंगे तत्काल। और जैसे ही पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, इनको आपदा में CO साहब के द्वारा 4-4 लाख रुपया प्रत्येक फैमिली को जिनका देहांत हुआ है उनको मिलेगा। प्रत्येक नागरिक विकास समिति के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर रविवार को वन महोत्सव सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन मिर्जान हाट इंटर स्तरीय स्कूल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रणव कुमार, नगर विधायक अजित शर्मा, महापौर सीमा शाह समेत कई अतिथियों ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया और विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करने की बात कही। इस दौरान वृक्षारोपण सह पर्यावरण संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। DM प्रणव कुमार ने कहा कि वृक्षारोपण से हरियाली आएगी और हरियाली से जल आकर्षित होता है। अजित शर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण का कार्य केवल सरकार का नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक संस्थाओं एवं छात्र छात्राओं को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर हुई है, जिसके कारण सभी स्कूलों में उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। समिति के अध्यक्ष जियाउर रहमान ने कहा कि पर्यावरण, नगर सौंदर्यीकरण, महिला उत्पीड़न पर रोकथाम समेत कई क्षेत्रों में नागरिक विकास समिति लगातार तत्पर होकर कार्य कर रही है। इससे पूर्व विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं नगर विधायक एवं जिलाधिकारी ने विद्यालय में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया और छात्र छात्राओं से इसका लाभ लेने की बात कही। इस मौके पर समिति के सलाहकार रमन कर्ण, नरेश शाह, सत्यनारायण प्रसाद, पार्षद संजय सिन्हा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बांका सभागार में रविवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रामसेवक सिंह एवं जिला प्रभारी सचिव चंचल कुमार ने जिले के सभी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की और योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया। प्रधान सचिव ने जिलाधिकारी कुंदन कुमार से बाढ़, सुखाड़, जल जीवन हरियाली योजना, मनरेगा, शराबबंदी समेत कई योजनाओं की जानकारी ली और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने का
निर्देश दिया। बैठक से पूर्व प्रधान सचिव एवं जिले के सभी अधिकारियों ने बांका समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी लोगों से एक एक पौधा लगाने की अपील की। बैठक में विधान पार्षद जावेद इकबाल, मनोज यादव, कटोरिया विधायक स्वीटी हेम्ब्रम, अमरपुर विधायक जनार्दन मांझी, SP अरविंद कुमार गुप्ता, DDC अभिलाषा शर्मा समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। शराब तस्करों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे सघन तलाशी अभियान के दौरान नौगछिया पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। परवत्ता थाना में नौगछिया SDPO प्रवेंद कुमार भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। SDPO ने कहा कि रात्रि गश्ती के दौरान जगतपुर के समीप बोलेरो पिकअप वैन चालक ने पुलिस को देखकर अपनी रफ्तार तेज कर दिया, जिसके बाद संदेह होने पर पुलिसकर्मियों ने पिकअप वैन का पीछा किया। इस दौरान चालक और उसमें सवार तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान पिकअप से 28 कार्टून में बंद 301 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया है। SDPO प्रवेंद्र भारती ने कहा कि शराब से लदा पिकअप वैन भागलपुर की ओर जा रहा था। फिलहाल शराब को जब्त कर गाड़ी नंबर के आधार पर तस्करों का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सावन की तीसरी सोमवारी को बाबा वासुकीनाथ समेत कई शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले डाक कांवरियों का सैलाब भागलपुर के सिरीघाट पर रविवार को उमड़ा रहा। सुबह से ही खंजरपुर एवं बरारी घाट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर कांवरियों ने पूजा अर्चना की और डाक बम के लिए संकल्प लिया। इसके बाद कांवरियों ने बाबा वासुकीनाथ और बोलबम के जयघोष के साथ रवाना हुए। पूरा कांवरिया मार्ग बोलबम के नारे से गूंजता रहा और सड़कों पर कांवरियों का जन सैलाब दिखाई दिया। दोपहर से ही कांवरियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान पुरुष, महिला, युवक, युवतियों के साथ छोटे बच्चे भी पूरे उत्साह एवं भक्ति के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करने रवाना हुए। सीढ़ी घाट से मनाली चौक, कचहरी चौक, त्रिमूर्ति चौक, भोलानाथ पुल एवं अलीगंज मार्ग पर कांवरियों का रेला लगा रहा। वहीं शहर में जगह जगह कांवरियों की सेवा के लिए सेवा समितियां एवं श्रद्धालुओं की ओर से सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में कांवरियों की सुविधाओं के लिए कई प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जबकि कई सेवा शिविरों में फल, मिठाई, शरबत, पेयजल एवं दवा की व्यवस्था की गई। राह चलते कांवरियों को जल, शरबत एवं फल वितरण किया गया। वहीं रोटरी विक्रमशिला पिंक की ओर से बेजानी फुलवरिया में कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में डाक कांवरियों के बीच पेड़ा, मुरब्बा, सेब, शरबत समेत कई सामग्रियों का वितरण किया गया। संस्था की चंदना चौधरी, किरण गोस्वामी, मृदुला घोष समेत कई सदस्यों ने कांवरियों की सेवा की। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान बेलहर थाना क्षेत्र के साहबगंज मथुरा गांव निवासी पिंटू पंडित के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक किसान रविवार की सुबह धान का बिचड़ा गिराने खेत जा रहा था। इसी दौरान किसान खेत में झूल रहे 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। घटना में मौके पर ही किसान की मौत हो गई। वहीं किसान की मौत के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया और लोगों की भीड़ उमड़ गई। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार बिजली विभाग को तार दुरुस्त कराने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बेलहर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भागलपुर के CMS स्कूल हॉल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन भागलपुर अंचल की ओर से आंचलिक अधिवेशन का आयोजन रविवार को किया गया। अधिवेशन में भागलपुर अंचल के विभिन्न शाखाओं से आए सदस्यों ने पटना अंचल के अध्यक्ष राजेश कुमार त्रिपाठी एवं महासचिव संजय कुमार सिंह एवं भागलपुर अंचल के उप महासचिव JK झा को अपनी समस्या बताई और उसके समाधान करने की बात कही। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत वंदना गीत एवं दीप प्रज्वलन से हुई। स्वागत भाषण DGM JK झा ने किया और अधिवेशन में शामिल हुए सभी अतिथियों, एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम में भागलपुर SBI के DGS जयेश कुमार झा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया और अधिकारियों ने जयेश कुमार झा को विदाई दी। राजेश कुमार त्रिपाठी एवं संजय कुमार सिंह ने JK झा के योगदान की सराहना की, साथ ही सभी कर्मियों को एकजुट होकर संगठन को मजबूती प्रदान करने और अपनी समस्या को लेकर आवाज़ उठाने की बात कही। JK झा ने कहा कि एसोसिएशन को जब भी उनकी ज़रूरत महसूस होगी वह सदा तैयार रहेंगे और कर्मचारियों के हित में कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागलपुर अंचल के DGM प्रसन्ना कुमार PN थे। इस मौके पर अरुण कुमार सिंह, प्रदीप रजक, प्रकाश मोहन मिश्र, अरुण कुमार समेत कई अधिकारी एवं काफी संख्या में बैंक कर्मी मौजूद थे। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन का आंचलिक अधिवेशन है। हमारे अंचल में 5 रीजन है, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, नवादा और गया। इन 5 RBO का मिला करके एक अंचल होता है।
इस अंचल का जो है ये आंतरिक अधिवेशन हो रहा है। कॉमरेड राजेश कुमार त्रिपाठी वो आए हैं रांची से, और हमारे महासचिव कॉमरेड संजय कुमार सिंह वो आए हुए हैं, और हमारे जितने भी पटना सर्किल के जितना भी जोन है, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, देवघर, धनबाद, रांची, सभी जोन के DGS आए हुए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584, 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुँच कर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिलेक्ट टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन की ओर से चुनिहारी टोला में रविवार को हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने हस्त निर्मित वस्तुओं के साथ श्रृंगार, कपड़े एवं खाद्य सामग्रियों की स्टॉल सजाई, जहां काफी संख्या में पहुंची महिलाओं एवं युवतियों ने अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक खरीदारी की। सावन में मनाए जाने वाले हरियाली तीज उत्सव में महिलाओं ने एक दूसरे को शुभकामना देकर खुशियां बांटी, और पुरुषों की तरह महिलाओं ने अपने व्यावसायिक प्रतिभा का परिचय दिया। एक और जहां कार्यक्रम में महिलाओं ने खरीदारी की, वहीं उत्सवी माहौल में कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर सारिका जैन, रवि प्रकाश बुधिया, ज्योति खैतान, संजय जैन, सुचिता अग्रवाल समेत काफी संख्या में मारवाड़ी समाज के पुरुष, महिला एवं बच्चे भी मौजूद थे। माँ शाकंभरी परिवार महिला समिति की ओर से रविवार को भागलपुर के राजस्थानी मेयर क्षत्रिय सभा भवन में हरियाली तीज साथ सिंधारा उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माँ शाकंभरी की पूजा अर्चना कर हवन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति भाव से माँ शाकंभरी को नमन किया और कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भजन कीर्तन की धुन पर झूमती दिखी। उत्सव के दौरान माँ के दरबार को आकर्षक ढंग से सजाया गया और शाकंभरी परिवार के सदस्यों ने बारी बारी से हवन पूजन में हिस्सा लिया। साथ ही महिलाओं ने हरियाली तीज उत्सव को लेकर माँ से कामना की। इस अवसर पर कुसुम सा, नीटू ढांडनिया, प्रियंका वर्मा, नरेंद्र शर्मा चंचल, प्रभु शर्मा समेत काफी संख्या में मां शाकंभरी के पुरुष एवं महिला श्रद्धालु मौजूद थे।
वन महोत्सव सप्ताह के तहत रविवार को सामाजिक संस्था होप्स एंड ड्रीम्स की ओर से घोघा रेलवे स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संस्था के संस्थापक अमरजीत पंडित के नेतृत्व में हुआ, जिसमें पीपल, बरगद, स्वर्ण चंपा, गुलमोहर, अमलतास के पौधे लगाए गए। इस दौरान संस्था के रंजीत कुमार यादव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने घर में संतान प्राप्ति होने पर उसके नाम से एक पौधे लगाने की लोगों से अपील की। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कई निजी संस्थाओं ने अपना सहयोग दिया। इस मौके पर संजय गोस्वामी, अमरनाथ अमर, सूरज कुमार, रविशंकर भारती सहित कई लोग मौजूद थे। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र काकरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि काकरिया गांव में 40 एकड़ जमीन पर दावेदारी को लेकर हीरा झा एवं जयशंकर चौधरी के बीच करीब 1 दशक से विवाद चल रहा है। शनिवार को खेत जुताई को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिससे पूरे गाँव में दहशत फैल गई। गोलीबारी की सूचना मिलते ही बाराहाट थाना अध्यक्ष पवन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान सभी आरोप फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल, 11 राउंड कारतूस बरामद किया है। वहीं पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर के चुनिहारी टोला स्थित रानी सती मंदिर में रविवार को दादी जी सेवा समिति की ओर से सिंधारा उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मां रानी सती दादी जी की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने दादी जी का जयकारा लगाया और गजरा उत्सव, चुनरी उत्सव का जमकर आनंद लिया। उत्सव के दौरान मां जगदम्बा का महामंगल पाठ सा ज्योति पूजन किया गया, जिसमें मां रानी सती के भक्तों ने हिस्सा लेकर हवन में आहुति दी। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा दादी जी के भजन की प्रस्तुति दी गई, जिस पर श्रद्धालुओं ने भी पूरे भक्ति भाव के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। इस मौके पर 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने दादी जी की पूजा की और मनवांछित फल एवं सुख शांति की कामना की। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। बांका में खेलने के दौरान बच्चों के ऊपर गिरा दीवार, 4 मासूम की दर्दनाक मौत, गांव में मचा कोहराम। वन महोत्सव सप्ताह को लेकर भागलपुर और बांका में डीएम ने किया वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से पौधे लगाने की अपील। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज, नवगछिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान 28 कार्टून विदेशी शराब किया बरामद। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर हजारों डाक कांवरिया बाबा धाम हुए रवाना, बोलबम के नारों से गूंजता रहा कांवरिया पथ। और बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की हुई मौत, खेत में बिचड़ा गिराने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।